अजी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से ये दावा तो किया गया था कि मौसम सरमा में जो है वो डोमेस्टिक इस्तेमाल करने वाले डोमेस्टिक यूजर हैं जो उनको जो है वो गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर सर्दी शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के लो प्रेशर और गैस की लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ना तो सुबह के टाइम गैस दस्तयाब होती है और ना ही रात के औकात में जो है वो गैस शहरियों को दस्तयाब है, जिसके बायस जो है वो शहरी बाजार से खाना और नाश्ता लाने पर मजबूर हैं। और जबकि मुतबादल ईंधन के तौर पर जो है वो एलपीजी का इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ गया है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये एलपीजी की दुकान है और यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि घर में गैस आती है जी? बिल्कुल नहीं आ रही, बाहर से गैस लेते हैं, वो भी महंगी गैस है, 125 रुपए कोई दे रहा है, 120 दे रहा है, कोई 110 दे रहा है, कोई कम गैस हो रहा है, कोई समझ नहीं लग रही। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, ये शहरी हैं जो गैस जो है वो डलवाने आए हैं, यहाँ से गैस लेने आए हैं एलपीजी की दुकान पर, और इनका यही कहना है कि घर में भी जो है वो गैस दस्तयाब नहीं होती। ये देखें, घरों से लोग जो है वो सिलेंडर लेके आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आकर गैस जो है वो लेके जा रहे हैं, मगर यहाँ पर भी इनको एक शिकवा है कि कोई भी जो है वो दुकानदार एक रेट पर गैस नहीं फरोख्त कर रहा, हर दुकानदार का अपना अलग रेट है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गैस जो है वो 115 रुपए किलो में फरोख्त कर रहा है जबकि किसी दुकान पर 120, 125 और 130 रुपए तक जो है वो एलपीजी फरोख्त की जा रही है। तो जैसे ही गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा, गैस की खपत में इजाफा हुआ, तो एलपीजी की कीमतों में भी जो है वो मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं दुकानदारों की जानिब से। जी।